वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, प्लीज प्लीज प्लीज। सज गया दरबार मैया रानी का। राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रे, बोलो माता शैलपुत्री की जय। देखिए फ्रेंड्स, आज कितना अच्छा दिन है, मैया के नवरात्रे शुरू हो गए हैं और सुबह से ही मैं मैया की तैयारी में, पहले बच्चों को स्कूल भेजा है, फिर हम अपने माँ की के स्वागत की तैयारी में लगे हैं, जोत जलाई है अखंड मैया की। हमारे यहाँ अष्टमी पूजती है तो हम 7 दिनों का व्रत रखेंगे, मेरे हस्बैंड ने पूरे रखे हैं और मैंने अभी कोई संकल्प नहीं उठाया कि मैं पूरे 7 दिन रखूंगी, तबीयत जैसी होगी उसके अनुसार मेरे पे जितना होंगे मैं उतने व्रत रखूंगी। और देखो मेरी मैया का दरबार कैसा लग रहा है, कैसे मैंने अपनी मैया को सजाया है, आप देखिए इस वीडियो में। फ्रेंड्स, ये वाली माता रानी की ड्रेस है जो मैं मैया को पहनाऊंगी और ये है उनकी चुनरी। ये मंदिर की साफ सफाई चल रही है अभी, फिर उसके बाद चौक की कलश स्थापना करेंगे। तो मैं मैया रानी को ड्रेस पहना रही हूँ, इतनी प्यारी लग रही है ना, अभी तो पूरी सजी नहीं है, फिर पूरी सज जाएंगी ना तब मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। अभी पहले मैंने रेडी कर लूँ और उसको मैं ऐसे पकड़ लूँ, यहाँ से हाँ बस ऐसे ही पकड़े रखो, देख और ये हमारी मैया रानी हो गई चुन्नी पहन के रेडी। कैसी लग रही है फ्रेंड्स, सुंदर लग रही है ना, बहुत प्यारी, मेरी मैया को नजर ना लगे। मैया की कलश की स्थापना हो चुकी है बिल्कुल शुभ मुहूर्त में, हम मैया के टीका लगा के अक्षत चढ़ा के उनकी श्रृंगार चढ़ाएंगे, फिर उनको भोग के लिए पंचमेवा रखेंगे, जल रखेंगे। दरबार की जय, बोलो कालका माई की जय, जय हो मैया के प्रथम रूप माता शैलपुत्री की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब मैया की अंगारी में हमने बताशे लौंग का भोग लगाया है, मैया इसे प्रसन्न होती हैं। कैसा प्यारा सजा है दरबार मैया रानी का। फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा मैया को हमने भोग लगा दिया है, अब हम थोड़ा सा अपना खाएंगे, व्रत का प्रसाद लेंगे अपना। मैं कर रही हूँ चाय और थोड़े मखाने और पेठे की मिठाई, प्रसाद लेके अपना व्रत कुछ खा पी लेते हैं। अब बज गए हैं शाम के 7:30 और मैं बना रही हूँ समा के चावल की खिचड़ी। मेरे हस्बैंड ने भी व्रत रखा है और वो इतने ज़्यादा भूखे नहीं रह सकते, उन्हें हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा चाहिए खाने के लिए, तो मैं अब बना रही हूँ समा के चावल, फिर इसको बनने रख दूँगी, फिर मैं करूँगी पूजा आरती मैया की। घी की खीर बनाई है मैंने और ये समा के चावल की खिचड़ी। अपने मैया को भोग लगाएंगे, फिर अपने पति देव को सर्व करेंगे, फिर उसके बाद मैं जाप करूंगी, उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी। मेरी मैया की भोग की थाली, ये ठाकुर जी की भोग की खीर। फ्रेंड्स, ये काव्या अभी सो के उठी है, एक बार सो ली और दोबारा सो के उठी है और मैं इससे कह रही हूँ कुछ खा ले कुछ खा ले, इन्हें कुछ खाना नहीं होता। जब मैंने सब्जी कही तो कह रही पराठे खाने, जब मैंने पराठे बोला तो बोल रही है सब्जी से खाना है। इन बच्चों के नखरे भी समझ में नहीं आते, क्योंकि हम बच्चे हैं, मम्मी बच्चे के पास से नखरे भी होते हैं, इतना तो चलता है। हमारे अयांश बाबू जी भी बिना खाना खाए सो गए हैं दूध पी के। मैंने उससे बोल दिया कि बेटा हिंदी की रीडिंग करके दिखाओ, तो जाके सोफे पे ही सो गया।
सो रहा है। फ्रेंड्स अब बज गए हैं 10 और अब मैं सोऊंगी माता की जोत में घी वी डाल के, फिर हम सोते हैं, फिर सुबह उठेंगे जल्दी। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। सो बोलो क्या बोलना था। राधे राधे, जय माता दी, गुड नाइट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।